अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट मल्टीविटामिंस एंड मल्टीविटामिंस भी स्पेसिफिकली आई विल डिस्कस अबाउट विटामिन ई। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, दे आस्क मी के जी हमारी जो है ना स्किन टोन ठीक नहीं है, टेक्सचर ठीक नहीं है और जो है ना रिंकल्स पड़े हुए हैं स्किन के ऊपर, तो उसके लिए आप कौन सा विटामिन सजेस्ट करेंगे? तो आई सजेस्ट दैम विटामिन ई। अब विटामिन ई, अगर विटामिंस की इन जनरल बात की जाए तो विटामिंस की हमारी बॉडी को नीड है टू परफॉर्म देयर बेसिक नीड्स, तो उसमें जो है लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस या डिजीज़ की वजह से या जीआईटी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके जो फूड में से न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो पूरी नहीं हो पाती ना, क्योंकि अब्सॉर्प्शन नहीं होती है बॉडी के अंदर। तो उस चीज़ को देखते हुए समटाइम्स यू हैव टू टेक दोज विटामिंस फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि टैबलेट फॉर्म में हो सकते हैं, कैप्सूल फॉर्म में हो सकते हैं या इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। तो अगर विटामिन ई की स्पेसिफिकली बात की जाए तो विटामिन ई जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसका मतलब ये है कि इसको एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स की भी ज़रूरत है। ऑल्दो यू कैन टेक दैम विद एंड विदाउट फूड, बट उसका जो ज़्यादा इफेक्ट होगा वो फूड के साथ लेने में होगा। अगर आप फूड के साथ उसको यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। सो विटामिन ई एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट आल्सो हेल्प्स टू नरिश योर स्किन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डैमेज बिकॉज ऑफ डिफरेंट फ्री रेडिकल्स, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और उनकी अगर बॉडी के अंदर अकोमुलेशन होती रहे और कोई एंटीऑक्सीडेंट आप नहीं ले रहे हैं तो उसकी उन फ्री रेडिकल्स की अकोमुलेशन की वजह से आपकी उन फ्री रेडिकल्स की वजह से जो है ना डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं, हार्ट डिजीज हो सकती हैं, आँखों का मसला हो सकता है, ब्रेन डैमेज कुछ हो सकता है, मतलब कि डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का वाइस बन सकता है। तो उसको जो है काउंटर करने के लिए आपको जो है कुछ एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ते हैं, जिसमें विटामिन ई जो है वो एक बेसिक एंटीऑक्सीडेंट है। सो वाइल एक्टिंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो विटामिन ई होता है वो बेसिकली हमारे स्किन सेल्स को डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उनसे भी बचाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में एयर पोल्यूशन है, स्मोग है, इसके अलावा जो है सन रेज हैं, तो इनके जो है डैमेज से जो है विटामिन ई भी बचाता है। इसके अलावा जो विटामिन ई होता है वो हमारी स्किन के अंदर एक नेचुरल पिगमेंट पाया जाता है जिसको मेलानिन बोलते हैं। तो मेलानिन क्या काम करता है कि वो स्किन को एक रंगत देता है। मेलानिन की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा स्किन के अंदर ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्किन डार्क होगी, तो ये जो है ना मेलानिन की क्वांटिटी को कम करता है। इसके अलावा अगर हमारी स्किन डैमेज हो जाए, वूंड्स हो जाएँ, तो उसमें भी जो है ना स्किन को रीजनरेट करने में भी ये हेल्पफुल होता है। अब अगर इसको यूज़ करने का मेथड देखा जाए तो विटामिन ई जो है वो बेसिकली कैप्सूल्स की फॉर्म में मिलता है, तो इसको ऑरली भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इसको टॉपिकली यूज़ किया जाए, मतलब कि क्रीम्स वगैरह के अंदर डाल के इसको यूज़ किया जाए, तो इसके इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो टॉपिकली ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो विटामिन ई जो है वो अगर कैप्सूल की फॉर्म में यूज़ किया जाए तो ये 400 mg, 200 mg एंड 600 mg के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन जो है इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो कितनी होगी ये आपको आपके डॉक्टर्स बताएंगे, यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। लेकिन इसको मेथड यूज़ करने का क्या मेथड है कि आपने एक ग्लास फुल वाटर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिटवीन द फूड या फिर आफ्टर द फूड, या फिर आप जो है ना वो खाली पेट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो क्योंकि जो विटामिन ई है एक सप्लीमेंट है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इसमें जो है आपको डिफरेंट जीआईटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा स्किन रैशेज हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं अगर आप इसको जो है ना वो ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी डिफरेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और आप ब्रेस्टफीडिंग मदर, तो आपको जो है बिफोर यूजिंग विटामिन ई यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर एज वेल। इसके अलावा अगर आपको ब्लर्ड विजन है या फिर डिफरेंट ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं या रिस्पिरेटरी डिजीज है कोई, तो बिफोर यूजिंग विटामिन ई यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। So that was all for today about the vitamin E. If you have any questions related to vitamin E, you can comment in the comment section as well. Till the next time, love yous.